नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी आवास योजना कही जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और आलम तो यह है कि दीवारों को मिट्टी से जोड़ दिया गया है, जिनके नाम स्वीकृत हो चुके थे उनको अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। यह मामला आया है बरगी थाना अंतर्गत बंदरकोला गांव का, जिसमें एक व्यक्ति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सरपंच सचिव और सहायक सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जनपद से लेकर कलेक्ट्रेट तक सरपंच की करतूतों का काला चिट्ठा हम अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन अभी कार्यवाही नहीं हुई है। और तो और अब उन्होंने हमें मारपीट करना और दबंगई दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे वे परेशान हैं। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जिला सीओ साहब, जनपद सीओ साहब, यहाँ सरपंच द्वारा, सचिव रोजगार सहायक सचिव, तीनों के द्वारा सामूहिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें मकान मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास वाले मकान मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। सीसी रोडों में बहुत गड़बड़ी पाई गई हैं। सीसी रोड ऐसी बनाई गई हैं, कागजों में सीसी रोड बन गई है, राशि निकाल के सरपंच सचिव द्वारा गबन कर लिया गया है। 3 फीट का कुआं कूप निर्माण सरपंच द्वारा कराया गया है, पूरी राशि निकाल के सरपंच गबन कर गए। इस तरीके के कई प्रकार के भ्रष्टाचार सरपंच द्वारा किया गया है। फर्जी मस्टर भर के राशि मजदूरों के नाम से निकाली जा रही है, शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने जनपद सीओ साहब के यहाँ किए थे, जिसमें इनके कामों को गलत पाया गया है। हम चाहते कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। रोजगार सहायक सचिव जिसमें लिप्त है, बहुत लंबे टाइम से इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल, इंडिया।